हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अभी सीड्स बना रहे हैं। अगर हम अभी कलेक्ट करके रख लेते हैं तो ढेर सारे प्लांट्स जो है हम फ्री में ही बना सकते हैं। मेरा अपराजिता का प्लांट है, मैं अपराजिता के प्लांट में ढेर सारे सीड्स जो है बनते रहते हैं, तो उसके सीड को अभी आप कलेक्ट करके रख लेते हैं तो आपका जो प्लांट है वो आप इससे ढेर सारे प्लांट जो है वो सीड से बना सकते हैं। मैं अपराजिता के प्लांट के जो फली है उसे टाइम टाइम से हटाती रहती हूँ फ्रेंड, ताकि मेरा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। लेकिन कुछ फली को मैंने इस पर रख दिया था ताकि इसमें सीड्स जो है वो बन जाए और मैं उसे कलेक्ट करके रख सकूँ, ताकि मैं उसे और भी प्लांट जो है वो रेडी कर सकूँ। तो देख सकते हैं ये जो सीड्स हैं वो उस तरह से ब्राउन हो गए हैं, तो अगर इसके जो सीड्स हैं पूरी तरह से ब्राउन हो जाएँ तो तभी आप उसे रख सकते हैं, उसके सीड्स जो हैं तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ग्रीन रहेंगे तो वह जो सीड्स हैं वो तैयार नहीं हो पाते हैं। तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, जैसे अपराजिता के प्लांट में अगर सीड्स जो है वो ब्राउन कलर के हो जाएं तो उसे आप कलेक्ट करके रख लीजिए। इससे आप फ्री में ढेर सारे अपराजिता के जो प्लांट है वो बना सकते हैं। देख सकते हैं यह है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट जो कि डॉट वाली वेराइटी है फ्रेंड, तो इसमें भी ढेर सारे सीड्स जो है वो उस तरह से बनते रहते हैं। अभी इसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही कम हो जाती है और उसमें इस तरह से सीड्स बनते रहते हैं, तो इसके सीड्स जब इस तरह से पक कर ब्राउन हो जाए तभी इसमें सीड्स अच्छे से तैयार हो पाते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं इसके सीड्स जो है गिर के इस तरह से ढेर सारे प्लांट जो है इसकी फ्री में ही रेडी हो जाते हैं। तो इसके सीड्स अगर आप नहीं भी कलेक्ट करेंगे तभी इसे फ्री में आप ढेर सारे प्लांट जो है इसके सीड्स गिर के अपने आप से बनते रहते हैं। देख सकते हैं यह है मेरा गुल मेहंदी का प्लांट जिसे हम बालसम भी कहते हैं फ्रेंड, तो ये है मेरा व्हाइट कलर का जो कि इस तरह से ज़मीन में ही लगा हुआ था और इसके सीड्स जो हैं अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं पक के और बिल्कुल येलो येलो हो जाए। तो इसके सीड्स जब पक कर इस तरह से आप देख सकते हैं ये छूने से अपने आप से फट जाते हैं, तो इसमें इस तरह से ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। इसे आप कलेक्ट करके रख लीजिए ताकि आप जो है बालसम का प्लांट अगले सीजन में फिर से रेडी कर सकते हैं। 4 o'clock का प्लांट जो कि शाम के 4 बजे के बाद ही इसमें जो फ्लावर्स है वो खिलते हैं फ्रेंड, तो मेरे पास इसके 2 कलर हैं, एक रानी कलर और ये येलो कलर। तो इसमें अभी बहुत ही अच्छे से सीड्स जो हैं बन रहे हैं, तो अगर आप इसके फ्री में प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसी टाइम में इसके सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करके रख सकते हैं फ्रेंड। तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो शाम के टाइम में ही खिलते हैं, तो इसमें इस तरह से सीड्स होते हैं काली मिर्च की तरह ही, तो इसे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और इसे फ्री में ढेरों प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं।